नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, भारत के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस के सेक्टर में ग्रैंड एंट्री करने वाले हैं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और इसमें लिखा है मुकेश अंबानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहे हैं और इसी के साथ वो ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई जैसी कंपनियों को ज्वाइन कर लेंगे जो सभी इस रेस में लगी हैं कि ह्यूज डेटा सेंटर नेटवर्क क्रिएट किया जाए। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक उभरता हुआ फील्ड है और जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, चाइना हो या भारत हो, सभी इस फील्ड में लीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगे भारत। एंड दैट्स सीरियसली गुड न्यूज फॉर इंडियाज एआई सेक्टर। अगर आप लोगों ने न्यूज में देखा हो तो रिसेंटली यूएस ने भी इसी चीज को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। यूएस ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारगेट। इस प्रोजेक्ट को बैक कर रही यूएस की टेक जायंट्स जैसे कि ओपनएआई, सॉफ्टबैंक और ओरेकल कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें पार्टनर है। ये सब कंपनी मिलके यूएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगी और इसी इनिशिएटिव के अंडर यानी स्टारगेट प्रोजेक्ट के अंडर पूरे यूएस में लगभग 20 डेटा सेंटर बनाए जाएंगे और इसीलिए मुकेश अंबानी का अनाउंसमेंट जिसमें वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं ये और भी खास हो जाता है। आप देखिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में किसी भी कंट्री को लीड लेनी है तो डेफिनेटली उस कंट्री के पास ऐसे ह्यूज डेटा सेंटर होने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर कहा जाता है उस कटिंग एज फैसिलिटी को व्हिच इज डिजाइन टू अकोमोडेट द इंटेंस कंप्यूटेशनल डिमांड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्कलोड है ना, इट कंज्यूम ए लॉट ऑफ डेटा सेंटर रिसोर्सेज जैसे कि स्पेस, पावर, कूलिंग एंड डेटा पावर पोर्ट कनेक्शंस। हालांकि भारत में भी कुछ डेटा सेंटर हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं जितने मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है। मुकेश अंबानी का जो डेटा सेंटर होगा ये होगा गुजरात के जामनगर में, जहां ऑलरेडी उनकी खुद की रिफाइनरी है। और ऐसा भी कहा गया है कि मुकेश अंबानी एनवीडिया कॉर्पोरेशन से पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर्स खरीद रहे हैं और ये सेमीकंडक्टर्स इसी डेटा सेंटर को एस्टेब्लिश करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। यूएस बेस्ड एनवीडिया जो एक ग्लोबल लीडर है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज कोलैबोरेटिंग विद रिलायंस ऑन एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टारगेटिंग ए कैपेसिटी ऑफ 3 गीगावाट फॉर इट्स अपकमिंग डेटा सेंटर। अक्टूबर 2024 में रिलायंस और एनवीडिया ने अनाउंस किया था कि वो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। एनवीडिया ने यह भी कंफर्म किया था कि वो अपना ब्लैकवेल एआई प्रोसेसर रिलायंस द्वारा बनाए जा रहे इस डेटा सेंटर को प्रोवाइड करेगा। साथ ही सितंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनवीडिया ने एक और पार्टनरशिप लॉन्च की थी जिसके अंडर ये दोनों कंपनी भारत के लिए एआई सुपर कंप्यूटर्स बनाएंगे और साथ ही डेवलप करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप देखिए, जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, इनकी कैपेसिटी इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कितना डेटा स्टोर करते, इनकी कैपेसिटी इस बात से डिसाइड होती है कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। लेकिन कैन यू इमेजिन मुकेश अंबानी का डेटा सेंटर कितनी पावर का होगा? ये होगा 3 गीगावाट पावर का, यानी ये डेटा सेंटर 3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। अब यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। जानते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये 4760 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है, यानी 4.7 गीगावाट, और मुकेश अंबानी का डेटा सेंटर 3 गीगावाट बिजली कंज्यूम करेगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेटा सेंटर कितना ह्यूज होगा। फिलहाल वर्ल्ड के जो कुछ सबसे बड़े डेटा सेंटर्स हैं ना, उनकी कैपेसिटी 1 गीगावाट से कम है और मुकेश अंबानी का डेटा सेंटर होगा 3 गीगावाट। वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े डेटा सेंटर यूएस में हैं और अगर फिलहाल वर्ल्ड के सबसे बड़े डेटा सेंटर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जीनिया के बोल्टन में जो डेटा सेंटर है उसे सबसे बड़ा माना जाता है और उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, और मुकेश अंबानी का डेटा सेंटर इससे 5 गुना बड़ा होगा। फिलहाल इंडिया की जो टोटल डेटा सेंटर की कैपेसिटी है वो भी 1 गीगावाट से कम है और मुकेश अंबानी के डेटा सेंटर के बाद भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगी। फिलहाल भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर है योटा NM1। ये है मुंबई के पास पनवेल में। योटा NM1 भारत का इकलौता मल्टी टेनेंट Tier 4 डेटा सेंटर है। इसमें टोटल 30,000 रैक है और ये कंज्यूम करता है 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब इंडिया में मुकेश अंबानी का डेटा सेंटर सबसे बड़ा होगा और इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब इतने बड़े डेटा सेंटर को बनाने के लिए लैंड भी काफी ज्यादा चाहिए होता। हालांकि मुकेश अंबानी को जामनगर में लैंड की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े डेटा सेंटर की कॉस्ट लगभग 20 से 30 बिलियन डॉलर तक आ सकती है। अब सिर्फ एक डेटा सेंटर के लिए इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन तो है। अगर इन रिपोर्ट्स की माने तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट में फिलहाल $26 बिलियन है, यानी उसके पास इतना कैश है। हालांकि हम लोग ये भी जानते हैं कि मुकेश अंबानी के लिए $20-30 बिलियन जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है।
आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जहां भी ऐसे ह्यूज डेटा सेंटर बन रहे हैं वहां इनको लेकर सबसे बड़ा कंसर्न है इनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। आप लोग जानते हैं भारत में इलेक्ट्रिसिटी इतनी भी सरप्लस नहीं है कि सिर्फ एक प्लांट को ही 2 गीगावाट दे दी जाए। इस चीज को लेकर रिलायंस का कहना है कि इनका ये जो आने वाला नया डेटा सेंटर होगा उसको ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी दी जाएगी, यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो विंड या सोलर पावर से क्रिएट होगी। अब जामनगर की किस्मत देखिए, जामनगर एक टाउन है और इसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 6,50,000 और यहाँ पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्रोजेक्ट है। पहला तो खुद रिलायंस की रिफाइनरी है, ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। अभी कुछ टाइम पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया था कि वो जामनगर में ही एक जाइगेंटिक ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बना रही और ये लगभग 5,000 एकड़ में फैला होगा। यहाँ पर टोटल 5 फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी और ये फैक्ट्री बनाएंगी फोटोवोल्टेइक पैनल्स, फ्यूल सेल सिस्टम्स, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज एंड विंड टर्बाइंस। इन फैक्ट्रियों को कहा जाएगा गीगा फैक्ट्रीज और इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। 2022 में रिलायंस एनर्जी ने गुजरात सरकार के साथ एक MOU भी साइन किया था और इस MOU के अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में आने वाले 10 से 15 सालों में लगभग 6,00,000 करोड़ या आप कहें $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा और इस इन्वेस्टमेंट के अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में लगभग 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाएगी और साथ ही तैयार करेगी ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।